कोविड महामारी के दौरान काम में जुटे फ्रंटलाइन वर्कर, पत्रकारों को समाज सेवी एडवोकेट रोहित शर्मा ने सम्मानित करते हुए सुरक्षा किट प्रदान की है। हमीरपुर मुख्यालय पर समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को एडवोकेट रोहित शर्मा ने सुरक्षा किट देकर कोविड महामारी के दौरान पत्रकारों के द्वारा किए जा रहे अहम कार्यों की प्रशंसा भी की। एडवोकेट रोहित शर्मा ने कहा कि मीडिया कर्मियों के द्वारा कोविड महामारी के दौरान बेहतरीन काम किया जा रहा है और हर वक्त कोविड के दौर में जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग की जा रही है। इसी के चलते पत्रकारों को सुरक्षा किट दी गई है जिसमें ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क आदि शामिल हैं। रोहित शर्मा ने पत्रकारों से भी कोविड महामारी के दौरान बचाव करते हुए काम करने की अपील की। शर्मा ने लोगों से भी आह्वान किया कि कोविड महामारी के दौरान चेहरे पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। बेसिकली टूल किट नहीं, ये एक किट मैंने ये दी है कि कोरोना योद्धाओं को सम्मान करने की कड़ी में, पहले हम आशा वर्कर्स को सम्मानित कर रहे थे, अब उसी कड़ी में जो हमारे मीडिया के मित्र हैं वो भी एक फ्रंट लाइनर्स की तरह काम कर रहे हैं और हर एक इम्पॉर्टेंट इशूज़ को, कोरोना को लेके जो जितनी भी अवेयरनेस है वो मीडिया के लोग इसको कर रहे हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इसी कड़ी के चलते हमने आज ये फैसला किया है कि जितने मीडिया पर्सन हैं वो फ्रंट लाइनर्स हैं और कोरोना योद्धाओं की तरह उनकी सम्मान होना चाहिए, उसी कड़ी में हमने आज उनको ये किट दी है जिसमें ऑक्सीमीटर, एक सैनिटाइज़र और मास्क हमने वितरित किए हैं। तो एक छोटी सी हमारी कोशिश है उनको से एक प्रोत्साहित करने के लिए और मेरी शुभकामनाएं सारे मीडिया के मित्रों को है कि उसी की तरह इसके आगे भी, चाहे वो कोरोना को लेकर के कोई भ्रांतियों को मिटाने के लिए कोई ऐसी अवेयरनेस है या कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं या जनहित के मुद्दे हैं, उनको ऐसे उठाते रहें ताकि हम इस लड़ाई को इकट्ठे मिलकर प्रभावी तौर पर लड़ते रहें। धन्यवाद।